चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने नामांकन पर आपत्ति जताई, जिसे राज्यसभा चुनाव रिटर्न अधिकारी ने खारिज कर दिया है। वहीं राज्यसभा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी नेता सुर्खियों में रहने के लिए आपत्ति जताते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। वो सांसद है वर्तमान में, और हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ ना कुछ न्यूज बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियाँ खारिज होती हैं। जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति उनके आएगी आएगी, उनका जो भी शेयर बनता है वो, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनको चूँकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया, वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिस ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी।